Good afternoon, students. All students of class 1, a very good afternoon to you all. So, students, today I am present before you all to take your English class through YouTube live video classes. बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको good afternoon. और आज हम लोग English grammar का live video classes YouTube पे करेंगे, जो कि रोजाना जैसे चलता है वैसे करेंगे. स्टूडेंट्स, वी वी आर डूइंग रेनबो सिंपल इंग्लिश ग्रामर बुक फॉर द लास्ट फ्यू डेज. ये पिछले कुछ दिनों से हम लोग रेनबो सिंपल इंग्लिश ग्रामर बुक कर रहे थे, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे. कल हम लोगों ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका एक्सरसाइज 7 तक बनाएंगे. 7 बनाएंगे आप सभी लोग, ठीक है? एक्सरसाइज 7, ठीक है? 7. In circle the countable nouns. In circle the countable nouns. In circle the countable nouns. ठीक. Boy count dog. Boy count dog. Take boy, cow, dog. Pen, ink, table. Pen, table. Water, milk, honey. Water, milk, honey. उसके बाद अब एक टी ग्लास. Egg. ग्लास नहीं है बच्चों, क्लास है. ये गलत लिखा गया, क्लास. कक्षा, कक्षा. जल्दी बनाइए बच्चों. जल्दी बनाइए बच्चों. कम ऑन, डू इट. हरिया जल्दी से बनाइए बच्चों. काउंटेबल नाउन मतलब संख्यावाचक संज्ञाओं को आपको सर्कल करना है. तो पहला है बॉय, दूसरा है कॉ, तीसरा है डार्क, पेन है, टेबल है, एग है और क्लास है. तो बच्चों, इसमें से क्लास जो है, ये क्लास, कक्षा, ये जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? काउंटेबल नाउन में ये आता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा में आता है. और ये बॉय, काउ और डॉग, ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे कॉमन नाउन्स हैं. पेन भी कॉमन नाउन है, टेबल भी कॉमन नाउन है, ठीक है ना? तो ये तो समझ गए, सरल है, एकदम सिंपल है, ये समझ गए होंगे आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे. इसमें कहीं से कुछ त्रुटि नहीं है, मैंने बहुत सरलता से आप लोगों को समझाया है ये सवाल, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आप चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर. छोटा छोटा एक्सरसाइज है बच्चों, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? तो छोटा छोटा
छोटा एक्सरसाइज है, अभ्यास जो है वो छोटा है और क्वेश्चन भी काफी छोटा है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज एट है, एक्सरसाइज बलून्स इन सर्किल द अनकाउंटेबल, ठीक है। वाटर, ठीक। उसके बाद आएगा हनी टी, हनी टी, हनी टी, टी मतलब चाय, हनी टी, गोल्ड बुक बैग, गोल्ड बुक बैग, बटर सॉल्ट टब, बटर सॉल्ट कप, ठीक है। उसके बाद ऑनेस्टी बॉयहुड लव, ऑनेस्टी बॉयहुड, बॉयहुड लव, तो बॉयहुड हो जाएगा अनकाउंटेबल, ऑनेस्टी हो जाएगा लव, हो जाएगा अनकाउंटेबल, बटर हो जाएगा साल्ट हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा, हनी हो जाएगा, टी हो जाएगा। स्टूडेंट्स सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैव केम हियर एंड आई जस्ट वांटेड टू फ्री टेक अ लीव फॉर जस्ट 2 मिनट्स। Yes, students, we have just been informed that one of your teachers is taking leave, I think. You will be informed later on, आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपके कोई teacher शायद बीमार है, he is suffering from diarrhea and loose motion, okay. He is being struck by cold and cough also, he's taking medicines and injections at home. And we have been informed to tell you. So students, see, uncountable nouns जो होते हैं, there are some nouns which cannot be counted in numbers. जिनको हम लोग count नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ऐसे संज्ञाओं को हम लोग uncountable nouns बोलते हैं, ठीक है ना? उनको हम लोग सिर्फ measure कर सकते हैं और weight कर सकते हैं, यानी कि तौल सकते हैं और माप सकते हैं। जैसे देखो water, honey, tea, ठीक है? ये सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं और इनको हम लोग गिन नहीं सकते, मेजर कर सकते हैं कि लोग वाटर को लीटर में, हनी को एमएल में, टी को एमएल में। अब गोल्ड है तो गोल्ड को कैसे मेजर करेंगे? कैरेट में मेजर किया जाता है, सी ए आर ए टी, कैरेट। गोल्ड को मेजर किया जाता है कैरेट में, कैरेट। बटर और साल्ट, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको ग्राम और किलोग्राम में। अब यहाँ पे देखिए, ये तीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, ऑनेस्टी है, बॉयहुड है और लव है। क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑनेस्टी, बॉयहुड और लव। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, बॉयहुड लड़कपन और लव प्यार, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों? मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये दोनों नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं,
एंड दिस ऑल टू काइंड्स ऑफ नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन. और काउंटेबल में कौन कौन आते हैं? काउंटेबल में आते हैं आपको कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन. कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों, यानी कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं जो है वो काउंटेबल नाउन में आते हैं. नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड दिस ऑल नाउन्स कम अंडर काउंटेबल नाउन्स. ठीक है, और कॉमन नाउन को भी हम लोग काउंटेबल बोलते हैं. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स जो है, देयर आर थ्री बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, जो कि प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल है. तो काउंटेबल में कौन कौन आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा और कलेक्टिव आ जाएगा. और अनकाउंटेबल में कौन कौन आ जाएगा? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा. ठीक है ना, तो इसको नहीं भूलोगे. डोंट फॉरगेट दिस. तो अब हम लोग स्किप करते हैं बच्चों नंबर ऑफ नाउन्स, जिसको कि हम लोग सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, एक वचन और बहुवचन. ठीक है, नंबर ऑफ नाउन्स. सिक्स चैप्टर है आपका नंबर ऑफ नाउन्स, नंबर ऑफ नाउन्स. ठीक, तो इसको टिक करेंगे, यहाँ पे एक आरो मार्क देंगे, यहाँ पे देंगे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर नंबर. ठीक है, और यहां पे देंगे प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर. ठीक, यानी कि एक वचन और साथ में बहुवचन. ठीक है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नाउन. पहला नंबर ए नाउन, ए नाउन a singular number noun, a singular number denotes मतलब दर्शाता है one person, comma animal comma place or thing. ठीक है, यानी कि एक पर्सन प्लेस और थिंग्स को डिनोट करता है. ठीक, एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, काउ ऑक्स कैट डॉग. ठीक, गर्ल एंड टेबल. दिस ऑल आर सिंगुलर नंबर नाउन. ठीक है, सिंगुलर नंबर नाउन चाहिए, एडीसी दे देंगे, एडीसी. तो लिखिए यहां पे, फिर मैं इरेज करूंगा बोर्ड और प्लूरल नंबर नाउन्स लिखवाऊंगा, प्लूरल नंबर. हरिया रेस्टोरेंट्स, डू इट, आई विल बी राइट बैक. Hurry up, students, hurry up.
जल्दी से लिखेंगे बच्चों. आई एम गिविंग यू 2 मोर मिनट्स टाइम फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर दिस टॉपिक कंप्लीटिंग दिस टॉपिक. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम जस्ट राइट नाउ 2 मिनट्स टाइम. जल्दी से लिखिए बनाइए. 2 मिनटों के अंदर 2 मिनट का आपको समय मिला है. एंड आई शैल नॉट गो बियॉन्ड 2 मिनट्स. 2 मिनट के आगे मैं नहीं रुकूंगा. आई शैल इरेज द बोर्ड एंड यू कुड बी लेफ्ट बिहाइंड इफ यू कुड नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क. जल्दी से बनाइए बच्चों. कमेंट टू इट. हरी अप स्टूडेंट्स. हरी अप. देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ नाउंस. ठीक है. संज्ञाओं की गणना हम कैसे करते हैं? दो आधारों पे करते हैं. ठीक है. बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ नाउंस आर देयर. फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर एंड सेकंड वन इज प्लूरल नंबर. अब देखिए सिंगुलर नंबर को क्या कहते हैं. ए सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग. एक सिंगुलर नंबर जो है एकवचन संज्ञा वो किसी एक व्यक्ति स्थान तथा चीजों को बोलते हैं जैसे काउ ऑक्स कैट डॉग एटीसी. तो ये सारे के सारे सिंगुलर नंबर के नाउन हो गए. अभी हम लोग क्या करेंगे? ये तो सिंगुलर नंबर के नाउन को जान गए. अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लूरल नंबर के नाउन को देखेंगे. प्लूरल नंबर किसको बोलते हैं उसको जानेंगे और उसके डेफिनेशन को जानेंगे. वी शैल गो फॉर प्लूरल नंबर नाउन्स एंड द डेफिनेशंस एंड अलोंग विद द एग्जांपल सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल नंबर. ठीक है. तो उसको देखेंगे हम लोग. इसको पूरा ही मिटा देते हैं. सेकेंड में आ जाओ. अब प्लूरल नंबर नाउन. प्लूरल नंबर ए प्लूरल नंबर द प्लूरल नंबर द प्लूरल नंबर Denotes more than one person animal place or thing. वन मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग को डिनोट करता है. ठीक है. एग्जाम्पल काउस ऑक्सेन ठीक कैट्स
बॉस वाले को The plural number denotes more than one person, animal, place or thing. ठीक है, plural number जो है एक बहुवचन संज्ञा जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों, जानवरों, स्थानों और वस्तुओं के नाम को कहते हैं. ठीक है, जैसे cows, गायें, oxen, बैलें, cats, बिल्लियां, dogs, कुत्ते, boys, लड़के और girls, लड़कियां. इसको बना डालो. Come and do it. जल्दी बनाइए बच्चों. जल्दी से बनाइए. याद रखेंगे, द प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. प्लूरल नंबर जो है बहुवचन संज्ञा, वो एक से अधिक व्यक्तियों, जानवरों, स्थान तथा वस्तुओं के नाम को हम लोग एक से अधिक संज्ञा में कहते हैं, मानते हैं, उसको समझते हैं, यानी कि बहुवचन संज्ञा में समझते हैं एक से अधिक. लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, बस दो मिनट का समय दीजिए. Wait for few seconds more. तो आप मिटाते हैं, ठीक है, इसको पूरा ही इरेज करेंगे. तो अब देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउंस टू प्लूरल नाउंस. ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, मैंने बहुत पहले बताया भी था. मोस्ट ऑफ बाय एडिंग एस टू मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउंस. ठीक है, अधिकतर जो सिंगुलर नाउंस है उसमें हम लोग एस लगा करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है,
एग्जाम्पल ले लेंगे y plus s is equal to boys, cat plus s is equal to cats, ठीक cats हो जाएगा, table plus s is equal to tables, ठीक tables हो गया, उसके बाद book plus s is equal to बुक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद एप्पल प्लस एस इज इक्वल टू एप्पल्स हो जाएगा बच्चों, स्कूल प्लस एस इज इक्वल टू स्कूल प्लस एस इज इक्वल टू बैट्स, ठीक है। उसके बाद एल प्लस एस इज इक्वल टू बॉल्स, के आई टी ई प्लस एस इज इक्वल टू काइट्स हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए बच्चों, सरल है, सिंपल है, जल्दी से बना लीजिए। Come on, students, do it. So, students, today I have taught you the number of nouns which are, I have explained you singular nouns and plural nouns. मैंने आप सबों को singular nouns और plural nouns को explain किया along with their examples, and I hope that you could have understood this chapter very well. So students, this was only for today's class. The next class shall be conducted by tomorrow as per schedule time. Till then, children, goodbye and take care.